नहीं फंसूंगी मैं, क्योंकि मेरे अर्जुन का साथ और विश्वास मेरे साथ है। तूने सुना नहीं अभी अर्जुन ने क्या कहा कि वो मेरे साथ है। उसने अगर ये बात कही है तो वैसा ही होगा, क्योंकि अर्जुन के लव्स मतलब पत्थर की लकीर। उसने जो कह दिया सो कह दिया। और रही बात उस प्रीता की, तो आज तक उसका सामना मेरी जैसी लड़की से नहीं हुआ होगा। लड़ी होंगी उसने बहुत सारी लड़ाई और शायद जीती भी होंगी, लेकिन इस बार उसकी लड़ाई मुझसे है, जहां हर बाजी हर चाल मेरी है। मैं ये लड़ाई जीतूंगी मेरे अर्जुन के लिए। ऋषभ और प्रीता से इस बार इस लड़ाई अर्जुन जीतेगा। अर्जुन जो चाहता है ना, उसकी हर चाह पूरी होगी, क्योंकि अब मेरा साथ अर्जुन के साथ है। ऋषभ जी को कोई तकलीफ नहीं दे सकता, कोई मेरे परिवार की इज्जत से नहीं खेल सकता। ये मेरा परिवार है और अब ये लड़ाई भी मेरी है। इस लड़ाई में तलवार भी मैं हूँ और ढाल भी मैं हूँ। लड़ूंगी भी मैं और जीतूंगी भी मैं। तो चिंता मत कर, दूसरे लॉयर से बात की है मैंने, बहुत जल्द बाहर निकाल लेंगे तुझे। ऋषभ जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि अंजलि अपने मुंह से ये बात कबूलेगी कि वो झूठ बोल रही है। हमें किसी तरह से उससे कन्फेस करवाना पड़ेगा कि उसने जो बोला है वो झूठ बोला है। मैं तो शुरू से कह रही थी कि ये लड़की कुछ गड़बड़ है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आज पता चल गया ना सबको कि इसका असली चेहरा क्या है। उस रात को जो हुआ मैं आप लोगों को डॉट टू डॉट बताना चाहता हूँ, ताकि किसी को भी कोई डाउट ना रहे। कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको कितनी बार कहा, आप ऐसा मत सोचिए कि हमारे दिमाग में जरा भी डाउट है आपको लेकर। आपने कुछ नहीं किया है, आप बिल्कुल बेगुनाह हैं। अब जो करना है हमें करना है, और यकीन मानिए हम आपको यहाँ से निकलवा कर रहेंगे। Just need a little bit of time. चलो चलो, मिलने का टाइम खत्म हो गया, आप सब लोग जाइए यहाँ से अब। हाँ, एक मिनट, अब आप लोग जाओ, आप लोग चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। मैं जानता हूँ कि आप अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं मुझे यहाँ से बाहर निकालने की, और मेरे लिए इतना काफ़ी है। आप बिल्कुल भी मुझे बाहर निकालने का प्रेशर मत लीजिएगा। मैं यहाँ पे तकलीफ़ में हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप तकलीफ में आ जाएं। मैं बस बाहर आके आप लोगों को मिलना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, दैट्स इट। इस बात का आप बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिएगा। मैडम कहा ना आपसे, मिलने का टाइम ख़त्म हो गया, आप जाइए। हाँ, एक मिनट, जा रहे हैं। एक काव्या को कुछ मत बताइएगा। ऑफ कोर्स, आप, मैंने कहा ना, आप किसी भी बात को लेकर परेशान मत होइए, मैं हूं ना। थैंक यू। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।